नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा और रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सड़क से रुद्रपुर के चुनावी मैदान जहां तक नजर गई, लोगों की भीड़ आई। इस पर मोदी ने कहा, भीड़ देखकर यह तय नहीं हो पा रहा कि यह प्रचार सभा है या विजय रैली। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में पीएम मोदी का रोड शो देश को संदेश दे रहा है। देवभूमि में मोदी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा है, फूलों की बारिश हो रही है और हर जुबान से एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी मोदी का शोर सुनाई दे रहा है। पहाड़ों की नमी और तपती धूप की गर्मी में लोगों का हुजूम बता रहा है कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्तराखंड की जनता उत्सुक है, कैसे भीड़ की वजह से पंडाल छोटा पड़ चुका है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि धूप में तपने की आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं, जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। रुद्रपुर में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी गारंटी को दोहराया। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए, मुझे भी गालियां और धमकी दी गई, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी, 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने अगले टर्म की भी तस्वीर क्लियर कर दी। उन्होंने साफ कर दिया पहले और मौजूदा सरकार के बीच का फर्क। उन्होंने बता दिया, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और विकास भारत का लक्ष्य है। अब यही संदेश उत्तराखंड के रास्ते देश में पहुंचाने की कोशिश होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। टारगेट 80 के लिए उत्तर प्रदेश में रैली और जनसभा के अलावा अब बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर 1,00,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सभा के जरिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता शहर से गांव तक जनता से संवाद करेंगे और मोदी योगी के विकास की नीति का संदेश भी देंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ, तीसरी बार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी जनसभाओं का दौर तेज कर चुकी है। सभी शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को साधा जा सके। इसके लिए पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 1 लाख से अधिक नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता गांव-गांव नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे। खुद सीएम योगी भी नुक्कड़ सभा में मौजूद रहेंगे, जिसकी शुरुआत कैराना से हो चुकी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और विकास के साथ माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दे रहे हैं। देखने भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका आए तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान प्लान नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बन करके भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश चुनावी जनसभा के साथ नुक्कड़ सभाओं के जरिए गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करना है, ताकि उन्हें मोदी योगी सरकार की नीति योजनाओं का लाभ और रोजगार के साथ विकसित भारत का संदेश दिया जा सके। इसके लिए महाराजगंज से लेकर सहारनपुर तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने संवाद किया। तो हमने अध्यक्षों से बात किया है, अपने जिले से बात किया है और हमने समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और जनता का समर्थन से आप देखिएगा, रिकॉर्ड मतों से पीलीभीत की लोकसभा में विजय मिलेगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 370 भाजपा और 400 पार एनडीए का पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ जहां विपक्षी दल अब तक चुनावी मोड में नहीं आ सकी, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनाव से ठीक पहले मैदान में उतार चुकी है, क्योंकि वक्त है कम, काम ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल किया और उसके साथ उन्होंने मेरठ की सड़कों पर रोड शो भी किया। इसमें भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। रोड शो में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए, जिन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 पार सीटें जीतेगी। तो रोड शो, नामांकन और उससे पहले घर में पूजा पाठ और आरती उतारी गई और फिर पहुंचे नामांकन करने अरुण गोविल। है यहाँ पर जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके, जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उससे आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले हैं? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अरुण गोविंद जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है।
और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हैं और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य क्या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बने, ये अहंकार नहीं है लेकिन हमारे सामने कोई मुकाबले नहीं। रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में ब्रजेश पाठक शामिल हुए और उन्हें जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को जीत का मंत्र दिया और साथ ही बयान भी दिया कि सनातन धर्म यहां खड़ा है तो सिख समाज का योगदान है। सिख समाज से कहना चाहता हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तय कर लो प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि घनश्याम लोधी एक तरफ चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, रोज कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, सपा के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जीरो सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट होने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब जब सपा सत्ता में रही है गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे गरीब जनता को व्यवसायियों को किसानों को परेशान करते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, वो रसातल की तरफ जाने वाले। बदायूं से बीजेपी नेता संगमित्रा मौर्य का टिकट कट चुका है, ऐसे में उनका दुख मंच पर साफ दिखाई देने लगा। चुनावी मंच पर संगमित्रा मौर्य अचानक भावुक हो गईं और रोने लगी। संगमित्रा मौर्य टिकट न मिलने से दुखी दिखी, हालांकि अब इस भावुक पल पर उन्होंने सफाई भी दी है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के पहले हम सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे। प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी हमारे बगल में थी और वो एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और उस कहानी को सुनाते सुनाते एक भावुक पल आया, उसकी वजह से आंखों में आंसू आया और इसीलिए मैं वहाँ से हट गई क्योंकि मुझे पता था कि आंखों में आंसू देख के यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ की कहानी का भावुक क्षण था, बाकी कुछ नहीं। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 3 जिलों के दौरे पर रहे। पहले सीएम योगी पीलीभीत पहुंचे जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और जितिन प्रसाद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं सीएम योगी पीलीभीत के बाद बदायूं पहुंचे, वहां भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर विपक्ष पर प्रहार किया। आखिर में बरेली पहुंचे और यहां भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करके उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचारी करार किया। परिवारवाद के नाम पर देश के अंदर लूट खसोट करने की पूरी छूट उन लोगों को दी गई थी। वे लोग अराजकता फैला रहे थे, गुंडागर्दी फैला रहे थे, देश की राजनीति को अपनी पपोती समझ करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, गरीबों के हकों पर टकैती डाली जा रही थी, उपद्रवियों को प्रश्रय दिया जाता था और देश के अंदर जब कोई आस्थावान राम जन्मभूमि के बारे में कहता था तो उस पर लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी मुंह को उसकी आवाज को बंद करने का काम होता था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी में होली मिलन समारोह में गाने गाए। मंत्री का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि सब कुछ समाप्त, हम सब एक हैं, हम सब प्यार से रहेंगे और बहुत अच्छा त्योहार है। अभी मैं 2 लाइन होली के लिए कहना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी लोग गा रहे थे, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
किन के हाथ कनक पिचकारी, किन के हाथ कनक पिचकारी, किन के हाथ रवीरा अवध में होई खेले रघुवीरा। लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ रवीरा अवध में होई खेले रघुवीरा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, संजय सिंह को जमानत मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले सकेंगे अब संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है संजय सिंह को, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले सकेंगे अब संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है संजय सिंह को। अक्टूबर से ही वो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद थे और अब उनको बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी है। बलूनी ने आज कीर्तिखाल, द्वारीखाल, चैलूसैंड में प्रचार शुरू किया है और इसके साथ ही बिजनी, मोहन चट्टी, किमसार में जनसंपर्क के साथ रोड शो भी किया। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पाखरो में हुए टाइगर सफारी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी ने हरक सिंह रावत को बुलाया था, लेकिन सोर्सेस से खबर है कि ईडी किसी वजह से आज हरक सिंह रावत से पूछताछ नहीं करेगी और उसकी सूचना ईमेल के जरिए हरक सिंह रावत को भेज दी गई है। आपको बता दें, पाखरो में हुए टाइगर सफारी घोटाले मामले में हरक रावत को पूछताछ 29 फरवरी को होनी थी, जिसमें हरक सिंह रावत ने राजनीतिक व्यस्तता को लेकर असमर्थता जताई और फिर ईडी एक और हरक सिंह रावत को सम्मन भेजकर आज बयान दर्ज करवाने के लिए उसने बुलाया था। पाखरो के टाइगर सफारी रेंज में हुए घोटाले मामले में ईडी का सिकंजा लगातार कसता जा रहा था। ईडी ने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और उनके करीबियों को पूछताछ के बुलाया था, क्योंकि 7 फरवरी को ईडी ने इस पूरे मामले में छापेमारी की थी और हरक सिंह सहित उनके जो करीबी जो है उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जिसमें हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के घर से ईडी ने कई जरूरी दस्तावेज के साथ कई नगदी भी बरामद की थी। इसके बाद ईडी ने सबको समन भेजा और एक एक करके ईडी ने इनको यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें हरक सिंह रावत की बहू और उनके करीबी तो पहुंचे लेकिन हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे थे फरवरी को, जिसके बाद ईडी ने एक और समन हरक सिंह रावत को भेजा और आज हरक सिंह रावत को अपने बयान दर्ज करने के लिए यहाँ पहुंचना था। लेकिन अभी अभी सूत्रों के द्वारा एक खबर आई है कि हरक सिंह रावत आज नहीं पहुंचेंगे, जिसका बड़ा कारण ये भी सामने आ रहा है कि ईडी ने खुद हरक सिंह रावत की पूछताछ पर रोक लगाई है। क्या कारण रहा है इसके बारे में अभी तक कुछ भी ठोस और पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। सपा नेता और पूर्व विधायक उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी पांडे अविनाश ने उज्ज्वल रमन को सदस्यता दिलवाई है। सपा के दिग्गज नेता रेवती रमन सिंह के बेटे हैं उज्ज्वल रमन सिंह। हर चुनाव एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जो जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनकी नीति और कार्यक्रम के खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ और खास तौर पर प्रयागराज में, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी इस लायक समझती है तो वो कांग्रेस की झोली में सीट को डालने का प्रयास करेंगे। उधर बागपत में बीच सड़क जानलेवा स्टंट का एक वीडियो सामने आया है। बीच बाजार और नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइकर्स बेखौफ होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस सड़कों से नदारद है।
रुड़की के सुनहरा में देहरादून से आई ड्रग्स विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर फैक्ट्री में छापेमारी की, तो वहीं ड्रग्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसी दवाइयां बनाई जा रही थी और इसीलिए फैक्ट्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही दवाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं और फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दी गई। फैक्ट्री संचालक की भी तलाश की जा रही है। में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा हम टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो हैं बल्क ड्रग की फॉर्मूलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते से बर्फ हटाई जा रही है और पैदल रास्ते को साफ किया जा रहा है ताकि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी हो पाएं। इससे पहले भी बर्फ हटाकर रास्ता साफ किया गया लेकिन पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से पैदल रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं जिन्हें साफ किया जा रहा है। वर्तमान में बर्फ सफाई कर श्री केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान हेतु मैन और मैन पावर का मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया है। वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है विगत 3 दिनों से और वहाँ पे भी श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र अंतर्गत बर्फ सफाई का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।